हे गाइज, अमरजीत सिंह फ्रॉम फर्स्ट स्टेप डिजिटल कंसल्टिंग। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने एक रियल एस्टेट जो हो सीआरएम बनाया था उसका हमने ओवरव्यू डाला था, और समय बहुत ज़्यादा होने के कारण उसमें कुछ फीचर है जिसको मैं हाईलाइट नहीं कर पाया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमने जो बनाया है जो हो सीआरएम, जो हो रियल एस्टेट सीआरएम, उसका एक फ़ीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि किसी भी रियल एस्टेट सीआरएम में होना चाहिए, तो उसी के बारे में हाईलाइट करते हैं। सपोज करें कि मान लो कि आपके पास एक इंक्वायरी आता है और उसमें कुछ प्रॉपर्टी का रिक्वायरमेंट है, तो जब आपका कस्टमर का रिक्वायरमेंट आपको पता चल जाता है तो उसके बेसिस पे जो हमने सिस्टम बनाया उस सिस्टम में क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपको उससे रिलेटेड यानी उस कस्टमर से रिक्वायरमेंट से रिलेटेड एक मैचिंग प्रॉपर्टी आपको लिस्ट दे देता है। यही नहीं गाइज, उसको हम एक क्लिक पे उसका पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। साथ में क्या करता है, जो जितने भी प्रॉपर्टी मैचिंग प्रॉपर्टी होता है उसका साथ में प्रॉपर्टी विजिट भी क्रिएट कर देता है। तो आज इस वीडियो में इसी सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे जैसा कि हम बताएंगे देख रहे हैं कि ये हमारा लीड वाला सेक्शन है। तो सपोज करो कि ये आपके पास एक लीड है और इससे आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट आ गया है। गाइज, ये मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अगर ये पूरा वीडियो देखना है, मतलब इस तरह का जो हो रियल एस्टेट से, तो लास्ट वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और उसका जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल गया है। चलिए अब आते हैं। तो मान लो कि ये आपका एक लीड है और इसका कुछ जो है कस्टमर रिक्वायरमेंट है, जैसे कि इसको कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए और परचेज के लिए लुकिंग कर रहा है, और किस तरह का चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, हालांकि कमर्शियल है अपार्टमेंट है, लेकिन चलो ठीक है। और जो है किस तरह का अपार्टमेंट चाहिए, तो मान लो 2 BHK अपार्टमेंट चाहिए, ठीक है। कहाँ चाहिए, तो दुबई में चाहिए, और ये हमारा लोकेलिटी है। तो आपने देखा कि कस्टमर ने हमारा जो है अपना रिक्वायरमेंट बता दिया। अब आपके पास क्या है कि इस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप इसको जो है क्या करना है, आपको इस कस्टमर को एक प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है इससे रिलेटेड आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है उसको सेंड करना है, एक लिस्ट भेजना कि हाँ हमारे पास आपके रिक्वायरमेंट का इस तरह का कुछ प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि लीड स्टेटस को हम क्या करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, ये मैचिंग प्रॉपर्टी रिक्वेस्टेड हमने एक लीड स्टेटस डाला है। इसका मतलब है कि कस्टमर जो है आपसे मैचिंग प्रॉपर्टी, जो उसका रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे जो है आपसे प्रॉपर्टी मांग रहा है, प्रॉपर्टी लिस्ट मांग रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको लीड स्टेटस चेंज करके मैचिंग प्रॉपर्टी रिक्वेस्टेड करेंगे और इसको सिंपली सेव कर देंगे। आपने देखा कि ऑटोमेटिकली जो है ये लीड कन्वर्ट हो गया डील में, सॉरी कॉन्टैक्ट में, और इसके साथ एक डील क्रिएट हुआ। अब इसी डील में आप देखोगे जो हम दिखाना चाह रहे हैं, सिंपली क्लिक करेंगे डील पे, देखो सो आपने देखा कि एक अपने आप जो है एक डील क्रिएट हो गया। अब इसको हम क्लिक करते हैं, आपने देखा गाइज, अपने आप जब आपने देखा कि ये मैचिंग प्रॉपर्टी लिस्ट है, इसमें 4 प्रॉपर्टी अपने आप जो है उससे रिलेटेड, जिसमें आप देख रहे हो कि इस लोकेशन का जो है इस तरह का प्रॉपर्टी है, उसने क्या कर दिया है आपको उसके मैचिंग से रिलेटेड जो है, मतलब उससे जितना हो सकता है कुछ भी मैच कर रहा है, तो उसके मैचिंग के अकॉर्डिंग जो है इसने प्रॉपर्टी दिखा दिया। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ऑटोमेटिकली आपको जो है ना ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली डील क्रिएट हो जाता और एक ये मैचिंग प्रॉपर्टी लिस्ट जो है वो जनरेट कर देता है। साथ में एक और बात बताया था कि प्रॉपर्टी विजिट, प्रॉपर्टी विजिट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जितना प्रॉपर्टी लिस्ट था अपने आप उस प्रॉपर्टी के नाम से इसने प्रॉपर्टी विजिट भी क्रिएट कर दिया, बट इसको एक्सप्लेन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी फिलहाल के लिए है कि चलो आपके पास ये लिस्ट आ गया, अब क्या करना है, इसको कस्टमर के पास भेजना है। तो ऊपर का जो आप बटन देख रहे हो ना, जनरेट प्रॉपर्टी मैचिंग, इस पर सिंपली आप क्लिक करोगे ना गाइज, तो ये क्या करेगा, आपको एक पीडीएफ
मतलब ये जितना भी प्रॉपर्टी है उससे उसके बेसिस पे यहाँ क्या करेगा, इसने एक पीडीएफ क्रिएट कर दिया। देख सकते हो इसमें टोटल हमें चार प्रॉपर्टी था, तो ये चार प्रॉपर्टी का इसने क्या कर दिया, एक पीडीएफ। ये है कस्टमर का रिक्वायरमेंट और ये उसका जो है आपका चार प्रॉपर्टी है। तो ये हमने एक टैम्पलेट बनाया है, अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो जब वो सारा कुछ कस्टमाइजेबल है, तो जिस तरह का आपका रिक्वायरमेंट होगा तो उसके हिसाब से, आपके ब्रांडिंग के हिसाब से इसका कलर वगैरह सारा कुछ चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से एक क्लिक में इसने जनरेट कर दिया प्रॉपर्टी। अब आपको सिंपली इसको इसको एज ए पीडीएफ आपको मेल करना है, तो यहाँ से आप इसको सिंपली यहाँ से क्लिक करके आप मेल कर सकते हैं, या व्हाट्सअप करना है तो उस तरह का आप टैम्पलेट बना दीजिए, आपके पास पीडीएफ है ही है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी उसको शेयर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि प्रॉपर्टी मैचिंग, मतलब हमारे पास जो है सिंपली कस्टमर का रिक्वायरमेंट आया, एक क्लिक से जो है मैचिंग प्रॉपर्टी डील भी क्रिएट हो गया, मैचिंग प्रॉपर्टी लिस्ट भी बन गया, और एक क्लिक से हमारा पीडीएफ भी जनरेट हो गया। तो ये एक छोटा सा फीचर है, बट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है गाइज इसमें, तो ये मुझे इसके बारे में बताना था। बाकी अगर आपको पूरे सीआरएम का वीडियो चाहिए तो उसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइज, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।